सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो ये है जी शाम का टाइम और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पास्ता, इंस्टेंट वाला पास्ता बना रही हूँ झटपट से, ताकि जो भूख लगी है वो थोड़ी सी शांत हो जाए। और मैंने कढ़ाई में पानी रखा है, अभी ये गैस चालू नहीं की है मैंने, इसमें ऐसे ही इसका जो मिक्स आता है वो ऐड कर देना है। गैस को हम बाद में चालू करेंगे और जो पास्ता है ना उसको भी इसके अंदर ही ऐड कर देंगे और हल्का सा इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद फिर हम गैस ना चालू करेंगे। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वाला पास्ता, और जो लूज़ वाला मिलता है, ओनली पास्ता मिलता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको थोड़ा सा बनाने में टाइम लगता है। और मुझे ना शाम के टाइम पर बहुत तेज़ भूख लग गई थी और इंजेक्शन लेने के लिए भी मुझे जाना था, तो थोड़ा बहुत कुछ खा के जाए तो अच्छा रहता है। यहाँ पे मेरे पास थोड़ी बहुत सब्जियाँ रखी थी, मैंने सोचा कि चलिए इनको भी इसमें ऐड कर देती हूँ, थोड़ा जो है पास्ता हेल्दी भी हो जाएगा और इसी बहाने जो गाजर वगैरह रखी हुई है मेरे पास वो भी यूज़ हो जाएगी। और ये आजकल ऑरेंज वाली गाजर आती है मार्केट में, वैसे तो अच्छी लगती है, खाने में काफ़ी मीठी होती है, लेकिन बस आदत है ना बचपन से, जो रेड वाली गाजर देखने का तो वही ज़्यादा अच्छी लगती है, नज़रों को वही मतलब भाती है। तो चलिए जैसी मिल जाए वैसी अच्छी है, उसी में खुश रहना चाहिए। तो बस फटाफट से मैंने एक गाजर, एक प्याज और एक जो है टमाटर इसमें ऐड कर दिया था, और सबको मैंने थोड़ा छोटे छोटे पीसेस में काटा था ताकि जल्दी से ये पक जाए और मेरे जो भूख लगी है ना वो शांत हो जाए। उसके बाद फिर मुझे इंजेक्शन के लिए जाना था, तो हस्बैंड भी बोलते हैं कि कुछ खा के जाया कर ताकि वीकनेस ना हो, कई बार जो इंजेक्शन ले रहे हैं उसे चक्कर भी आ जाते हैं, तो जो डॉक्टर है वो भी यही बोलती है कि इंजेक्शन से पहले कुछ हल्का फुल्का खा लिया करो ताकि चक्कर वगैरह ना आए। और वैसे भी मेरा बीपी लो रहता है, तो आजकल तो वैसे ही थोड़ा लो रह रहा है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा मेंटेन करके चलना पड़ता है मुझे। तो ये मैंने पास्ते के अंदर डाल दिया है और मटर इसमें ऑलरेडी पहले से ही थे, तो प्याज भी मैंने ऐड कर दिया, गाजर भी ऐड कर दिया और साथ में टमाटर भी ऐड कर दिया। और जब मैंने ये इसमें ऐड किया तो थोड़ा सा मुझे इसमें नमक ऐड करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि पास्ते की क्वांटिटी कम थी और मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया है, तो इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और ग्रीन चिली, रेड चिली और थोड़ा सा सोया सॉस भी इसमें ऐड किया था, उससे इसका और भी फ्लेवर बढ़ गया था। और लास्ट में डाल दिया मैंने इसमें धनिया, उससे तो इसका कलर भी बहुत अच्छा हो गया, देखिए ग्रीन रेड येलो बहुत अच्छा लग रहा था और खाने में बहुत टेस्टी बना था, बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी इसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई थी, बिल्कुल थोड़ा सा होता है वैसे तो ये, और खा के मैंने देखा बहुत मज़ा आ रहा था, मैंने थोड़ा सा हस्बैंड को दिया, थोड़ा सा मैंने खाया और मज़ा आ गया था सच्ची। काफ़ी दिनों से मेरा मन कर रहा था, जब से अंकी आई तब से सोच रही थी, लेकिन बस उस टाइम पे भी तबीयत ऐसी ढीली चल रही थी तो मैंने बनाया नहीं, और अब तो मेरा काफ़ी मन हो गया था कि पास्ता बना के खाऊं, तो मैंने झटपट से ये जो इंस्टेंट वाला पैकेट मंगवाया और फटाफट से पास्ता बना के खा लिया। तो गुड मॉर्निंग जी, ये है अगले दिन की सुबह और सुबह हो गई है, मैं आ गई हूँ किचन में अपने, तो झटपट से बनाते हैं चाय और अपना गर्म पानी, उसके बाद थोड़ा सा वॉक करूँगी बाहर। आजकल मैंने योगा काफ़ी टाइम से बंद कर रखा है, एक्सरसाइज भी बंद कर रखी है, तो हल्का सा वॉक कर लेती हूँ। शाम को तो ज़रूर जाती हूँ मैं वॉकिंग के लिए, खाना खा के एक राउंड लगा के आती हूँ, जो हमारी सोसाइटी का मेन गेट है वहाँ तक जाके आती हूँ, तो काफ़ी अच्छा चक्कर हो जाता है, काफ़ी लंबा राउंड हो जाता है मेरा। और यहाँ पे देखिए ये मैंने मनी प्लांट लगाए हुए हैं, तो इनकी ग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है आजकल, पता नहीं गर्मियों का सीज़न है या क्या रीज़न है, मुझे आइडिया नहीं है। वैसे तो मेरा इससे पहले काफ़ी अच्छे जो मनी प्लांट चल रहे थे, और ये रात के धुले हुए बर्तन है, मैंने सोचा कि चाय जब तक बनती है तब तक ये भी लगा के रख लेते हैं, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे, उधर चाय बन रही है इधर फटाफट से जो है बर्तन लगा लेंगे, सेट हो जाएंगे और उसके बाद फिर खाना बनाने में बहुत आसानी होती है, नहीं तो बर्तनों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है तो अच्छा भी नहीं लगता है घर में, तो इसलिए इनको फटाफट से अपनी अपनी जगह पे सेट कर देते हैं।
और चाय भी मेरी ऑलमोस्ट बनी गई थी। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि चाय पत्ती आज मेरे से ज़्यादा डल गई है, तो मैंने थोड़ा सा इसमें दूध और भी ऐड कर दिया था। हालांकि मन नहीं करता है सुबह सुबह चाय पीने का, मैं सोचती हूँ कि गर्म पानी पी के वो हो जाए, लेकिन एनर्जी नहीं आती है, तो इसके लिए थोड़ी सी चाय तो बनी जाती है सुबह और शाम के टाइम पर। कई बार तो मैं ग्रीन टी भी ले लेती हूँ। और बस देखिए मेरी चाय बन के तैयार हो गई है, हस्बैंड को मैंने दे दी थी पहले ही। बस मेरी थोड़ी, मैं थोड़ा अच्छे से उसको पकाती हूँ, थोड़ा सा उसमें चाय का मसाला या अदरक ऐड करती हूँ, थोड़ा अच्छे से पका के गाढ़ा कर लेती हूँ, तभी मैं चाय पीती हूँ। और उसके बाद मैंने मशीन लगाती थी, कपड़े भी मेरे धुल गए थे जो मशीन में धोने हैं, और थोड़े बहुत मुझे जो है हाथ से वॉश करने हैं, वो बाद में वॉश करूँगी मैं। तो ये धुल गए थे, इनको सुखा देती हूँ मैं। और ऊपर शेड डलने से ना बहुत आसानी हो गई है, धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं आती अभी यहाँ पर ना। हाँ, धूप भी नहीं आती है वैसे तो, लेकिन कपड़े मशीन के धुले हुए में ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है धूप की, हल्की फुल्की धूप हो तो चल जाता है। और आजकल तो मतलब गर्मी का मौसम है, कपड़े वैसे ही बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड से बातें कर रही थी, वो शावर लेने के लिए जा रहे थे। तो जी मैंने शावर वगैरह भी ले लिया था और मेरी पूजा भी हो गई थी सुबह की। अब फटाफट से लगाते हैं आटा और उसके बाद नाश्ता बनाऊंगी और फिर सब्ज़ी वगैरह भी दोपहर के लिए बना के रख दूंगी अभी से ही, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। आपको मेरे एक ही ब्लॉग में ना बहुत बार सुनने को मिल जाएगा गर्मी गर्मी, लेकिन सच बताऊँ तो बहुत बुरी हालत है। अभी 42-43 टेम्परेचर है इस टाइम पर, दोपहर के टाइम पर ना बहुत बुरी हालत हो जाती है, तो सुबह भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हवा भी नहीं चलती है, तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है। क्या करें, बस ये गर्मियों का मौसम ऐसा ही होता है, हाय हाय गर्मी चिल्लाते रहते हैं सब कोई। तो बस मैं तो यही करती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी पीती रहती हूँ, थोड़ा जूस वगैरह बना के रख लेती हूँ, वही पीती रहती हूँ बीच बीच में, और साथ साथ में काम भी होते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी रेस्ट करती हूँ, थोड़ा काम करती हूँ, तो इस तरह से जो है मेरे घर के काम चलते रहते हैं। ये देखिए बस बीच बीच में मुझे थोड़े थोड़े आइडिया आते रहते हैं, तो आटा लगाते लगाते भी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ मैं। और घर को डेकोरेट करना, उसको सजाना संवारना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से मुझे खुद को मतलब सज संवर के रहना अच्छा लगता है ना, उसी तरह से मुझे घर को भी साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन उसको डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है। आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे, उसमें भी मैंने बहुत अच्छी तरह से अपने घर को डेकोरेट करके रखा था। हालांकि इस घर में सामान बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे पास है यहाँ पे अवेलेबल है, उसी से मैं अपने घर को अच्छे से डेकोरेट करके रखूँ। अगर आपने वो वाले ब्लॉग्स नहीं देखे हैं मेरे दमन के, तो ज़रूर देखिएगा, मेरे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वो वाले वीडियोज़, तो आपको पता चलेगा कि मैं किस तरह की हूँ और किस तरह के वीडियो ब्लॉग्स बनाती हूँ, किस तरह से मैंने अपने पुराने घर को सजा के संवार के रखा हुआ था। तो ज़रूर मेरे पुराने व्लॉग्स देखिएगा, और हाँ मेरे नए वीडियो हैं उनको भी सपोर्ट करिए। और यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता और हस्बैंड ने बोला कि चलो मैं साथ साथ में जो है सब्जी भी काट देता हूँ ताकि आसानी हो जाए बनाने में। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी नाश्ता हो गया हमारा, हस्बैंड ने सब्जी काट के रख दी है यहाँ पे, तो ये टिंडे हैं इनको काट के रख दिया उन्होंने, और मसाला भी तकरीबन तैयार कर दिया है। और अभी मैं करूँगी थोड़े से, मैंने कपड़े बाहर रखे हैं उनको वॉश करना है मुझे, हाथ से वॉश करूँगी क्योंकि इनका कलर जाता है। और एक टी शर्ट है हस्बैंड की, वो वाइट है, तो उसको भी मुझे वॉश करना है। बाकी के तो मैंने धो के डाल भी दिए थे सुबह ही ना, सुबह सुबह जल्दी, और बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप भी बहुत ज़्यादा है, बाहर निकला नहीं जाता है इस वजह से। तो मैंने सोचा कि अब फटाफट से सुबह के सारे काम कर लेती हूँ, सब्जी बना के रख लेती हूँ, सबसे तो ज़्यादा ज़रूरी वो है, क्योंकि दोपहर के टाइम पर ना किचन में आया नहीं जाता है, इतनी ज़्यादा धूप और गर्मी लगती है। आटा मैंने लगा के रख दिया है, बस अभी आंटी आएंगी तो साफ़ सफ़ाई कर देंगी, और अभी तक ना दीपा नहीं आई है, तकरीबन 1.5-2 महीने हो गए हैं उसको गए हुए, और अभी तक वो आई नहीं है, उसकी बेटी की शादी है, तो जैसे ही शादी हो जाएगी फिर वो वापस आ जाएगी।
तो चलिए मैं कर लेती हूँ जल्दी से घर के कामों को ख़त्म, और आप लोग करिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, मुझे कल वाले ब्लॉग में क्वेश्चन आया था कि अभी आपकी तबीयत कैसी है, तो अभी बहुत अच्छी है, टेस्ट करवाए थे तो अभी काफ़ी अच्छे टेस्ट आए, मेरे रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई हैं सारी, और प्लेटलेट भी मेरे 1 लाख से ऊपर हैं अभी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दवाई लेने के बाद, खाने के बाद। और डेली शाम को मुझे इंजेक्शन लेना होता है, 5 इंजेक्शन दिए तो उनसे बहुत फ़र्क है। मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो वो भी अभी बहुत अच्छा है और अच्छा लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं जो है कंटिन्यू ब्लॉग डालूंगी और हो सके कोशिश करती हूँ कि छोटे से छोटा ब्लॉग बनाऊं, लेकिन क्या होता है कि रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूं तो थोड़ा लंबा ब्लॉग हो जाता है उसकी वजह से। और मेरा ना यहाँ पे जो मेरा ऑयल वाला बॉटल था ना, ये देखिए ये वाला, ये ना यहाँ से लीक कर रहा था तो मैंने इसके अंदर मनी प्लांट लगा दिया, और ये तो मेरा वहाँ रखा रहता था, वहाँ से उतार के मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। इसको अभी मैं सोच रही हूँ कुछ और करूँगी थोड़ा सा, तो ये यहाँ से डेकोरेट, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे रखा हुआ, सुंदर लग रहा है। और ये जल इसको भी मैंने कल वॉश करके अच्छी तरह से, काफ़ी दिनों से साफ़ सफाई नहीं हो रही थी घर की, तो अभी मैंने जो है धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करके घर को भी साफ़ करूँगी। ड्रॉर वगैरह सब मुझे क्लीन करने हैं, सब बुरी हालत है, अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप लोगों को मेरे चेहरे से भी अच्छा लग रहा होगा और स्माइल करके ब्लॉग बनाऊँ तो अच्छा लगता है। तो चलिए मैं ये काम ख़त्म कर लेती हूँ, सब्ज़ी बना लेती हूँ और जो कपड़े बाहर रखे हैं उनको थोड़ा सा वॉश कर लेती हूँ।